भारत के मित्र देश सऊदी अरब से एक ऐसी खबर आई है जिसने पाकिस्तान में भूचाल ला दिया है। पाकिस्तान जिस सऊदी अरब के पैसों पर पलता आया है, उसी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के 5 लोगों को फांसी पर लटका दिया है। इस खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन 5 पाकिस्तानियों को शाही आदेश के बाद फांसी दी गई है। सऊदी अरब का शाही आदेश ये था कि इन 5 पाकिस्तानियों को इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का में फांसी दी जाए। ये कोई आम घटना नहीं है। आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों पर आरोप है कि इन्होंने सऊदी अरब की एक प्राइवेट कंपनी के 2 गार्ड्स को बंधक बना लिया, उन गार्ड्स के साथ मारपीट की और बाद में उनकी हत्या कर दी। पाकिस्तानियों ने जिन गार्ड्स की हत्या की, उनमें से एक गार्ड बांग्लादेश का था। हत्या करने के बाद ये सभी पाकिस्तानी सऊदी अरब की अलग अलग जगहों पर जाकर छुप गए, लेकिन सऊदी अरब की सुरक्षा एजेंसियों ने चप्पे चप्पे की तलाशी ली और इन 5 पाकिस्तानियों को दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने इन 5 पाकिस्तानियों को मौत की सजा सुना दी। इन पाकिस्तानियों ने ऊपरी अदालत में माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन सऊदी अरब की सबसे बड़ी कोर्ट ने भी इनकी फांसी की सजा बरकरार रखी और वो दिन भी आ गया जब 5 को फांसी पर लटका दिया गया। आपको बता दें कि सऊदी अरब की सरकार अपने देश में आए पाकिस्तानियों से बेहद परेशान है। पाकिस्तानियों ने सऊदी अरब में जाकर भीख मांगनी शुरू कर दी है, अपराध करने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तानी तो सऊदी अरब की मक्का और मदीना मस्जिद के सामने भी भीख मांगते हैं। भीख मांगने के आरोप में सऊदी अरब की पुलिस पहले ही कई पाकिस्तानियों को जेल में डाल चुकी है। कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि दुनिया के अलग अलग कोनों में 14,000 से ज्यादा पाकिस्तानी जेल में बंद हैं। ये जिस देश में जाते हैं वहीं भीख मांगते हैं, वहीं अपराधों को अंजाम देते हैं। जेलों में बंद 14,000 पाकिस्तानियों में से 58% तो संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब की जेलों में बंद हैं। इन सभी पर नशीली दवाओं से लेकर चोरी तक के आरोप हैं। कईयों को भीख मांगने और रेप के आरोपों में सजा सुनाई गई है।